इसी के साथ रूपा जी बात करें यहाँ से अगर आप क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में देख रहे हैं कि दोनों ही तेल अभी तो तेजी की ही तरफ हैं, लेकिन कल के मुकाबले लेवल्स टूटे हैं काफी। WTI देख रहे हैं $110 पर ट्रेड कर रहा है 2% की बढ़त के साथ। ब्रेंट क्रूड ऑयल $114 के ऊपर है 3.5% की बढ़त के साथ। रूपा जी कल को हमने ब्रेंट क्रूड को $139 तक ट्रेड होते हुए देख लिया था, फिर बाद में जब सेशन चला तो $130 के दायरे में ट्रेड कर रहा था, आज देख रहे हैं $114 पर है। रूपा जी देख रहे हैं कि जो $20 से ज्यादा की गिरावट आई है उसके बाद से WTI पर भी असर हुआ है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अब कच्चे तेल का बाजार धीरे धीरे ठंडा होता नजर आएगा? देखिए अभी जो कच्चे तेल में गिरावट है, जो हल्की फुल्की ऊपरी स्तरों से गिरावट आती हुई दिखाई दी है, क्योंकि UAE की तरफ से बयान निकल कर आया कि वो ग्रेजुअली सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं, इस वजह से थोड़ा सा मार्केट जो है वो डाउनसाइड में आता हुआ दिखाई दिया है। अभी जो जो रूस और यूक्रेन के अंदर जो चल रहा है उसका असर अभी आना बाकी है। अभी तो फिलहाल बाजारों के अंदर उतना ज्यादा इंपैक्ट हमने क्रूड के ऊपर आता हुआ दिखाई नहीं दिया है, और क्रूड अभी भी सपोर्ट रहता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकली भी अभी $100 के ऊपर जब तक सस्टेन है मार्केट में अपसाइड का मूव बना रह सकता है, और क्रूड में अभी फिलहाल हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा कोई प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। अगर सारी स्थिति नॉर्मल भी होती है तो क्रूड मुझे लगता है कि $90 to $100 के बीच में सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, पहले जो प्रेडिक्ट किया गया था समझौते की बात होने से पहले कि कच्चा तेल रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के चलते $150 $180 तक जा सकता है, अब देख रहे हैं वहां से अब वही लेवल्स टूटते हुए नजर आए हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी ये है कि समझौता होगा जिसकी वजह से क्रूड की जो सप्लाई है वो मार्केट में बनी रहेगी। इसी के साथ रूपा जी बीच में ये भी खबर आई थी कि ईरान की न्यूक्लियर डील रिवाइव हो सकती है, लेकिन डील अभी तक रिवाइव होते हुए नहीं नजर आई है। दूसरा, ओपेक ने भी उत्पादन नहीं बढ़ाया है, हालांकि कहना सबका यही है कि जो उत्पादन है कच्चे तेल का वो बढ़ाया जाए। तो रूपा जी आपको क्या लगता है, क्या अभी भी क्रूड की सप्लाई समझौता होने के बावजूद भी अगर होता है समझौता इन फ्यूचर, तो सप्लाईज क्या कुछ समय के लिए ऐसी टाइट ही बनी रहेंगी? देखिए फंडामेंटल क्रूड का पहले से ही काफी सपोर्टिव था, यानी कि सप्लाई डिस्टर्ब थी, सप्लाई पहले से ही कम थी और डिमांड अच्छी खासी थी, और जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर रफ्तार आती दिखाई दे रही थी तो उससे चलते एक्सपेक्टेड था कि डिमांड जो है और ज्यादा पिकअप हो सकती है और सप्लाई जो है वो कम रहेगी, तो इस वजह से हम कच्चे तेल को पहले ही सपोर्ट लेते हुए देख रहे थे। अभी जो ये एकदम से रैली आया और एकदम से $20-30 जो मार्केट ऊपर चला गया, वो फुल रशिया और यूक्रेन के इंपैक्ट की वजह से ही देखने को मिला, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर सप्लाई टाइट थी, और अगर रशिया और यूक्रेन के बीच रूस की तरफ की ओर सब कुछ बंद कर दिया जाता है तो एनर्जी का संकट घेरा सकता था, इस वजह से कच्चा तेल एकदम से रैली में आता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन कच्चा तेल अपना भी उसका फंडामेंटल अभी भी सपोर्टिव है, सप्लाई अभी भी डिस्टर्ब है और ये अभी बनी रह सकती है जब तक ओपेक देशों की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं निकल कर आता कि सप्लाई को आगे चलकर बढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है, तो इसके चलते माना जा रहा है कि क्रूड जो है रशिया यूक्रेन की अगर लड़ाई कम होती है या इनमें समझौता होता है तो क्रूड नीचे जरूर आएगा, लेकिन वहां पर स्टेबल कहां करेगा ये देखना होगा। बहुत ज्यादा अभी गिरावट क्रूड में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर यहाँ से टूटता भी है तो $90 तक मैक्सिमम एक बार आकर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का भी बयान आया है, उन्होंने पेट्रोलियम कंपनियों को कहा है कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उतनी ही दायरे में रखी जाए जितना जनता सहन कर पाए, जिसकी वजह से जनता की जेब पर ज़्यादा असर ना पड़े। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि भी जो सरकार है, जो भारत सरकार है, वो भी पूरी पूरी कोशिश करेगी कच्चे तेल की जो सप्लाई है उसमें बाधा ना आए, कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो स्मूथली बनी रहे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है रूपा जी, पहले जो आंकड़ा दिया जा रहा था कि लगा कि कम से कम 20 से 25 रुपए का इजाफा पेट्रोल के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है, लेकिन अब देख रहे हैं प्राइसेस थोड़े नीचे आए हैं, कच्चे तेल के कूल डाउन हुए हैं, तो ऐसे में क्या अब जनता की जेब पर थोड़ा कम असर पड़ेगा पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को लेकर? देखिए अभी हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेड था प्राइस बढ़ना वो थोड़ा सा ईज ऑफ हो जाए, लेकिन प्राइस बढ़ना तो तय है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें पहले ही अपने जो निचले स्तर हमने देखे थे वहां से काफी ऊपर आ चुकी हैं, तो प्राइस तो पेट्रोल और डीजल का बढ़ना तय है, लेकिन कितना बढ़ेगा अभी ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि जो कच्चा तेल एकदम से अपसाइड हो गया था वो उसके ऊपर अभी जो है वो ब्रेक लगती दिखाई दी है, तो इसलिए अभी कंसोलिडेट होता है अगर $90 से $100 के बीच में तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हाइक आना तय है। जी